हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की आर हैकर्स पे। तो आज का वीडियो का टॉपिक जो कि है आई एम रिलेशनशिप ऑफ माय पल्सर। फर्स्ट पॉइंट जो कि है मुझे इसका लुक, तो पहला ऐसा लुक नहीं था, सिंपल लुक था, ठीक है। तो मैं मेरा हिस्ट्री बताता हूँ इस बाइक को लेके। तो जब मुझको ये बाइक एकदम पसंद नहीं था, ठीक है, तो मेरे पापा ने इसको खरीद के लेके आया था, मुझे कुछ भी नहीं बता के। तो उसके बाद क्या करे, इसका लुक मुझे अच्छा नहीं लगता, पूरा खाली खाली सा ब्लैक ट्लैक था, ये सब नहीं था, स्टिकर वगैरह नहीं था, ये सब नहीं था, कुछ भी नहीं था बाइक पे, ये सब वगैरह कुछ नहीं था। 125 BS4 आप सब जानते हो कैसे है। तो मुझे बाइक पसंद नहीं था, इसलिए मैंने करीब 1 वीक तक इसको राइड भी नहीं किया, पापा ने ही चला था, मुझे पसंद नहीं था इस बाइक को एकदम, ठीक है। तो मुझे बाइक पसंद नहीं था, एक ही रीज़न है कि मैं पहले अपाची चलाता था 160, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था वही बाइक, मैंने चाह रहा था कि खरीदने के लिए, लेकिन मुझे खरीद के नहीं दिया, ये बाइक खरीद दिया, और मैं तो इसको राइड भी नहीं किया, अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब ज़रूरत होता था बाइक राइड करता था, तो राइड करने के बाद इसका जो फील आता है ना, पल्सर का फील, मैं तब उस दिन समझा कि इस बाइक में थोड़ा फील है। इतना अच्छा कंट्रोल होता था, इतना अच्छा रोड किंग बाइक है, क्या बोलूँ। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लोगों के मुख में सुना था कि पल्सर का पिकअप अच्छा नहीं है, ऐसा वैसा, और अपाची का पिकअप बहुत ही तगड़ी लगता था। सब कुछ ठीक है, अपाची भी अच्छी बाइक है, पल्सर भी अच्छी बाइक है, लेकिन एक बात बोलूँ, जो अपाची चलाता है उसको सिर्फ पिकअप मिलता है, रॉ पिकअप, लेकिन इसमें इतना कॉन्फिडेंस आता है बाइक को राइडिंग करने में, रोड पे इतना स्टेबल होता था। तो मैं इसके पास क्रास खा गया, तो उसके बाद मैंने सोचने लगा कि इसका तो लुक मुझे अच्छा नहीं लगता, क्या करूँ, इसका लुक चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो इसके बाद मैंने इसका लुक का ऊपर चेंज करना स्टार्ट कर दिया बाइक लेने के बाद 3 मंथ के अंदर, ठीक है। 3 मंथ तक मैं चलाया नहीं, खूब कम चलाता था बाइक को, क्योंकि वहाँ की मुझे पसंद नहीं आया, मगर थोड़ा दिन होने के बाद मुझे बाइक बहुत ही पसंद आया, ठीक है। तो उसके बाद मैंने सब कुछ, स्टिकर वगैरह, भाउजर टाउजर सब कुछ लगाया हूँ इस बाइक में, क्योंकि इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है बाइक। भले ही इसमें पावर कम है, ठीक है, भले ही इसमें पिकअप ज़्यादा नहीं है, मगर जो टॉप एंड अचीव करता है अपाची भी नहीं सकता उस पर। तो टॉप एंड अचीव करना इतना बड़ा बात नहीं है, लेकिन टॉप एंड में जो स्टेबल बहुत तगड़ी है, अपाची में 100 से ऊपर जाने के बाद भी बावल करता है बाइक, ठीक है। लेकिन इसमें 116 तक मैं इसको लेके जाता हूँ, कोई बावल नहीं करता, एकदम स्मूथ मक्खन की तरह रोड पे चिकप के जाती है बाइक। तो मुझे बाइक के साथ प्यार हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं कस्टमाइज करना ही लगा बाइक को, हर टाइम कुछ ना कुछ इसमें कस्टमाइज करता ही रहा। तो बहुत सारा पार्ट्स लगा है बाइक पे, ठीक है। तो कुछ लोग बाइक को मॉडिफाई करता है, इतना करता है मॉडिफाई कि सबको पसंद नहीं आता, मगर मैं इस बाइक को इतना सोच के मॉडिफाई किया हूँ कि मेरे साथ साथ सभी लोग को इसका लुक पसंद आए, इसलिए मैंने स्टॉक ही रहने दिया, स्टॉक बाइक किया, ठीक है। मेरे पास 125 था, उसको स्टॉक 150 में कन्वर्ट किया, जैसे कि सब लोग को, हर इस बंदा को पसंद आए इस बाइक, ठीक है। ये कोशिश करके मैं इसको बनाया हूँ, देख सकते हो आप, फुल एंगल व्यू देख सकते हो। तो इसका ऊपर मैं ओनरशिप रिव्यू भी बनाया हूँ, ठीक है। तो अभी एक बात बताऊँगा कि इस बाइक को सच में बहुत खुश हूँ मैं दिल से, मुझे पसंद नहीं था इस बाइक, लेकिन इसने मेरा दिल जीत लिया, सच बता रहा हूँ। मानता हूँ सभी बाइक की तरह इसमें इतना रॉ पिकअप नहीं है, मानता हूँ, लेकिन पिकअप भी सब कुछ है क्या, बाइक कम्फर्टेबल होना चाहिए, रोड पर अच्छे से जाना चाहिए, बाइक का जहाँ पर खड़ा कर दो वहाँ पर देखना चाहिए उसका लुक। बाइक लेने का एक मकसद है जो कि अगर आप एक बाइक लो और उसके बाद आप उसके तरफ पीछे से जाके मुड़ मुड़ के नहीं तकाओ, तो उसका बाइक का लेना ही बेकार है, इसका माना हो जाएगा कि आपने बाइक गलत चुन लिया है, ठीक है। अगर आपका ही लुक नहीं अच्छा लगता, लेकिन मुझे अभी अभी टाइम के साथ साथ इसका लुक अच्छा लगा है। हमारा ग्राम है, गांव में रहते हैं हम, तो यहाँ पर भी 4-5 पल्सर है जो कि पहले ज़माने का है, मगर ऐसा ही लुक है।
तो मैंने उस सब बाइक से कुछ हटके बनाया इस बाइक को। सब लोग को पसंद नहीं आएगा ठीक है, मगर हर 80% बंदा को ये लुक पसंद आ जाएगा, क्योंकि मैं इसको साथ कोई छेड़खानी नहीं किया, सिर्फ स्टॉक बनाया है इसको। देखो तो ये भी कोई गलत स्टिकर नहीं है, सिर्फ इसको छोड़ के यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रैच हो गया था इसलिए मैंने इसको चिपकाया है, नहीं तो इसको भी नहीं चिपका था। तो लोग बाइक खरीदने के बाद इंडिकेटर चेंज कर देता है, देखो इंडिकेटर मैंने चेंज नहीं किया लेकिन मॉडिफाई किया हूँ, बार एंड लगा देता है, उसके बाद बहुत कई सारा की लाइट लगाता है जो मंजी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सिर्फ इंडिकेटर चेंज करने से ज़्यादा मैं यहाँ पर ब्लू कलर का एक बल्ब लगा दिया हूँ ठीक है, कोई स्टॉक के साथ कोई छेड़खानी नहीं किया हूँ ठीक है, जो बाइक में लगा हुआ है ओरिजिनल वही है ठीक है। मैं इस बाइक को बहुत सोच के जान के बहुत रिसर्च करके ऐसा ऐसा बनाया हूँ ठीक है। आप सबको अगर देखना चाहिए कि मेरा बाइक का पहला का फोटो, तो आप सबको मैं दिखाऊंगा वीडियो में यहाँ पर शो कर दूंगा ठीक है, देख लेना कैसा था बाइक मेरा ठीक है। मैं तो इस बाइक को मैं बहुत प्यार करता हूँ ठीक है, ज़िंदगी में बहुत और बाइक लेना है क्योंकि हम बाइक लवर है भाई ठीक है, बाइक एक से एक गुजारा नहीं जाता, मगर इसका जो अलग सा सम्मान है, जो कि इसका अलग सा रिस्पेक्ट मेरे तरफ से है, वो सब दिन बरकरार रहेगा कि मेरा फास्ट लव एंड फास्ट बाइक है ठीक है। मैं और भी बाइक लूँगा कोई मतलब नहीं, लेकिन इसका जो प्यार है मेरे से ये काफ़ी नहीं गिनने वाला। कुछ टाइम पहले मैं सोच रहा हूँ कि इसको सेल कर दूँ ठीक है, सोच रहा था ठीक है, जब मैं एक दिन भाव मैं रिसर्च किया कि इस बाइक को मैं बेच दूंगा कितना इतना प्राइस मिल जाएगा, लगभग 70,000, मगर इसमें जो इमोशन है वो 70,000 में खरीदना नहीं आएगा ठीक है, तो इसलिए मैं बाइक को कभी सेल भी नहीं करूँगा, इसका एक अलग से एक्सपेक्ट भी रहेगा। तो ऐसा कुछ मैंने बाइक में बारे में, और मैं तो फाइनली आप सब समझ चुके हो कि मेरा बाइक से मेरा क्या रिलेशन है ठीक है। तो एक बात ही बोलना चाहूँगा, इससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं। तो आपको एक बार लाइट का क्या लाइट लगाया मैं आपको दिखा देता हूँ, मोबाइल होल्डर इन्हें एक बच्चे ने टूट के फेंक दिया इसमें यहाँ पर